सरहुल पर विवादित झांकी पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने विवादित झांकी निकालने वालों की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही कहा है कि पर्दे के पीछे के चेहरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। दूसरी ओर जेएमएम ने झांकी का बचाव किया है। सरहुल पर आपत्तिजनक झांकी पर गर्माई सियासत, बीजेपी ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष समेत 26 लोगों पर FIR। सरहुल के मौके पर राजधानी रांची में निकाली गई आपत्तिजनक झांकी पर सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। दीपक प्रकाश ने कहा है ये आदर्श आचार संहिता का खुल्ला खुल्ला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस झांकी के पीछे के लोगों को भी बेनकाब किया जाना चाहिए। ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित आचार संहिता का उल्लंघन, और जिन लोगों ने इस प्रकार के कुकृत्य आचार संहिता का उल्लंघन किया है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और साथ साथ जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम करवाया है उसके चेहरे, नापाक चेहरे को जनता के सामने लाने की भी जरूरत है। आपको अदालत जाना चाहिए ना। आपको लगता है कि हेमंत सोरेन बेकसूर है तो सड़कों पर करके क्या होने वाला है? आपकी सत्ता है, आपने गड़बड़ किया है। FIR तो होगा ही ना। सरहुल पर केंद्रीय सरना समिति की झांकी में हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया था, साथ ही स्लोगन लिखा था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। यही नहीं, झांकी में ये दिखाया गया था कि ईडी हेमंत सोरेन का शोषण कर रही है। इस विवादित झांकी को लेकर जिला प्रशासन ने केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की समेत 26 लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। हालांकि जेएमएम ने झांकी का समर्थन किया है और केंद्रीय सरना समिति का बचाव किया है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है, वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है, वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है, आदिवासी है, उनका आक्रोश कल सामने आया और उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे। जो झांकी निकाला गया, जो गुस्सा दिखाया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी को पचा नहीं, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी उत्पन्न हो गई और चुनाव आयोग को दबाव में लाकर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया गया। आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार, आदिवासी संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम, लेकिन इसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया। लोकसभा चुनाव, लिहाजा सरहुल जैसे पर्व पर भी सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की गई। ये गंभीर मामला है, शायद ही कोई आम आदिवासी इस तरह के राजनीतिकरण के पक्ष में होगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, अजय लाल और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।